मैं मलराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बाइनरी कंपाउंड्स यानी द्विअंगी यौगिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्विअंगी जिसके दो अंग होते हैं, दो अंगों से मतलब होता है कि ये दो प्रकार के जो तत्व होते हैं उनसे मिलकर इनका निर्माण होता है यौगिकों का। तो इसकी परिभाषा हम इस रूप में दे सकते हैं कि द्विअंगी यौगिक संकरण तत्वों के वे यौगिक हैं जिनमें संकरण तत्व के अतिरिक्त केवल एक तत्व और होता है जो असामान्यतः या अधातु होते हैं। तो इसका कहने मतलब ये है कि संकरण तत्व मेन होता है इसके अंदर और इसके साथ में अधातु जुड़ा होता है। तो एक ही प्रकार का अधातु जुड़ा होगा इसके अंदर तो ये द्विअंगी कंपाउंड कहलाएंगे। और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, हाइड्राइड, बोराइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, हैलाइड्स। लेकिन कौन सा अधातु जुड़ा हुआ है उस पर उसका नामकरण डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्राइड कहलाएगा, बोरोन जुड़ा होगा तो बोराइड कहलाएगा, कार्बन जुड़ेगा तो कार्बाइड कहलाएगा, नाइट्रोजन नाइट्राइड कहलाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्साइड कहलाएगा, हैलोजन जुड़ेंगे तो हैलाइड्स कहलाते हैं। इसमें जो हाइड्राइड, बोराइड और कार्बाइड होते हैं ये एक इस प्रकार के होते हैं कि ये पूर्ण रूप से पूर्ण अनुपात में नहीं होते, इस कारण से इनका जो अनुपात थोड़ा डिफर होता है। तो ये स्टोइकोमेट्री नहीं पाई जाती इनमें, अर्थात पूर्ण अनुपात में ये नहीं होते हैं। इनके बीच में अंतरकाशीय स्थान पाया जाता है जहाँ पर कि धातु प्राणों के मध्य अंतरकाशीय में प्रवेश कर जाते हैं। तो इनका जो एक रेशो होता है वो डिफर हो जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसके ऑक्साइड जो है, प्रथम संकरण श्रेणी के ऑक्साइड देखते हैं तो हमने पहले भी देखा था कि इनकी जो ऑक्सीजन अवस्था होती है वो वेरिएबल होती है। स्कैंडियम से लेकर के जब हम कॉपर तक जाते हैं, जिंक की +2 होती है, स्कैंडियम की +3 होती है, इनकी तो फिक्स होती है। लेकिन इनके अलावा जो बाकी होते हैं उनकी वेरिएबल होती है। तो जैसे स्कैंडियम तो स्कैंडियम 2O3 होता है, लेकिन यहाँ एक सारणी हम देख रहे हैं। इस सारणी के अंदर हमें साफ दिख रहा है कि प्रथम संकरण श्रृंखला धातु के ऑक्साइड है, इधर हमारी ऑक्सीजन अवस्थाएँ दे रखी हैं ऊपर से नीचे तक आने में +2, +3, +4, +5, +6, +7। इधर हमारे सभी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, टाइटेनियम, वेंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। तो +2 ऑक्सीजन अवस्था ये सभी देते हैं, लेकिन यहाँ जो डार्क दिखाई दे रही है वो सबसे स्टेबल ऑक्सीजन अवस्था होती है। तो यहाँ जो सबसे स्टेबल ऑक्सीजन अवस्था होती है वो है कॉपर की भी है, कॉपर Cu, निकल O, CuOMnO और टाइटेनियम +O है, इसकी कम स्टेबल है। तो यहाँ पर ये जो डार्क दिखाई दे रही है, आप MnO, CO, COO, NiO, CuO, ये स्टेबल हैं। +3 ऑक्सीजन अवस्था को जैसे हम देखते हैं तो इसमें सभी लगभग +3 ऑक्सीजन अवस्थाएँ शो कर रहे हैं कॉपर को छोड़ के। तो इसके अंदर जो स्टेबल ऑक्सीजन अवस्था है वो क्रोमियम और आयरन की है, +3 ऑक्सीजन अवस्था, ये दोनों ही स्टेबल होती है, बाकी की कम स्टेबल होती है। इस प्रकार +4 ऑक्सीजन अवस्था देखते हैं तो आयरन और कॉपर को छोड़ के सारे +4 ऑक्सीजन अवस्थाएँ देते हैं, लेकिन टाइटेनियम जो होता है वो इसका स्टेबल होता है। तो जो जिस वर्ग में आता है वो ही उसकी मोर स्टेबल होती है, ऑक्सीजन अवस्थाएँ होती है। इस प्रकार हम नीचे आते हैं, +5 ऑक्सीजन अवस्था देखते हैं तो ये सिर्फ वेंडेनियम में पाई जाती है, बाकी किसी भी तत्व में नहीं पाई जाती है V2O5 के रूप में। फिर +6 देखते हैं तो ये क्रोमियम में पाई जाती है Cr3। और +7 ऑक्सीजन अवस्था को देखते हैं तो ये सिर्फ मैग्नीज में पाई जाती है Mn2O7। अन्य ऑक्सीजन अवस्थाएं ये नीचे दिखाई गई हैं। तो हम यह देखते हैं कि इनमें जो अधिकांश ऑक्सीजन अवस्थाएं वो होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि स्कैंडियम की +3 ऑक्सीजन अवस्था ज़्यादा स्टेबल है, उसी प्रकार से वेंडेनियम +4 ज़्यादा, क्रोमियम की +5 ज़्यादा स्टेबल है, वेंडेनियम की +5 है और क्रोमियम की +6 है, मैग्नीज की +7 है। तो इनकी ऑक्सीजन अवस्थाएं ज़्यादा स्टेबल है। ये हम इनकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि समन्वय संख्या के आधार पर कुछ हैलाइड्स की दे रखी है। यहाँ पर एक सारणी दे रखी है हमने,
तो इस सारणी के अंदर सारे हाईलाइट्स हैं। तो यहाँ ऑक्शन अवस्थाएं दे रखी हैं, लेफ्ट में उसी तरह से ऊपर सारे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, और इस प्रकार से टाइटेनियम, इंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, इनकी हाईलाइट्स देख रहे हैं। तो प्लस टू ऑक्शन अवस्था मैग्नीज की होती है, स्टेबल निकल की होती है, कॉपर की होती है। उसी प्रकार प्लस थ्री देखते हैं तो फेरस की होती है और प्लस वेनेडियम की होती है। प्लस फोर देखते हैं तो ये वेनेडियम की है। फिर इसी प्रकार से प्लस फाइव जो देखते हैं वेनेडियम फाइव की सी आर एफ फाइव भी देता, प्लस सिक्स CrF6 हो गया। इस प्रकार डिफरेंट जो स्टेबिलिटी होती है वो हमने देखी इसके अंदर, वो डिपेंड करती है उसकी कौन से वर्क का एलिमेंट्स है वो। थैंक यू।